दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर जो टर्मिनल वन है या जो पुराना टर्मिनल है इस एयरपोर्ट का, इसको अगले साल ढहा दिया जाने वाला है और इसको खत्म करके एक नया टर्मिनल यहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मल्टीपल रीजन यहां पे साइड किए हैं, जहां पर अडानी ग्रुप भी कंबाइंड है, क्योंकि ये जो मुंबई एयरपोर्ट और नया बन रहा नवी मुंबई एयरपोर्ट है ये अडानी ग्रुप ही अभी संभाल रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है, स्ट्रक्चरली भी ये वीक है। एट द सेम टाइम टर्मिनल वन की कैपेसिटी बहुत कम है और टर्मिनल टू जो है वो ऑलरेडी ओवरलोड पे है। अगर आप सब जानते हो तो मुंबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजीएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट है। कहा गया है कि जब अगले साल एक टर्मिनल रेडी हो जाएगा नवी मुंबई एयरपोर्ट का, उसके बाद में ये टर्मिनल गिराया जाएगा और यहाँ पर एक ब्रांड न्यू टर्मिनल बनाया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि टर्मिनल वन और टर्मिनल टू जो नए वाले बनेंगे उनके बीच में एक पीपल मूवर सिस्टम होगा या काइंड ऑफ पॉड टैक्सी जैसा सिस्टम होगा, जो दोनों टर्मिनल्स के बीच में लोगों को ट्रैवल करने में मदद करेंगे। आज के डेट में दोनों टर्मिनल्स के बीच में ट्रैवल करने में आधे से एक घंटे का समय लग सकता है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो कैपेसिटी है टर्मिनल वन की वो बढ़कर 2 करोड़ पर एनम हो जाएगी। आज ये एक बहुत छोटा टर्मिनल है और टर्मिनल टू पर ही ज्यादातर लोड है। अगली खबर फिर से एयरपोर्ट से रिलेटेड आ रही है, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो काफी सुंदर ये बनाया गया है टर्मिनल, काफी सारे यहाँ पे जो ब्लेंड ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और ऑब्वियसली लखनऊ सिटी जो एक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पहचान है सिटी की कल्चरली, उसके हिसाब से टर्मिनल के अंदर कई चीज़ों को कंबाइन किया गया है। ऑब्वियसली जो बढ़ती हुई डिमांड्स है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, यहाँ पर इस चीज़ को ये केटर करेगा और बढ़ते पैसेंजर नंबर्स को हैंडल कर पाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से देश के एयरपोर्ट से रिलेटेड ही, जहाँ पर पुणे एयरपोर्ट का भी एक नया टर्मिनल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और साथ साथ कोल्हापुर एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में ही है इसका भी एक नया टर्मिनल ओपन किया गया है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों पैसेंजर्स यहाँ पर केटर करेंगे पुणे एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल्स, और एज एन इकोनॉमिक हब यहाँ पे चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर अभी करेंटली पुणे के अंदर अनाउंसमेंट भी की गई इसके इनॉग्रेशन के दौरान कि पुरंदर में बनने वाला नया एयरपोर्ट भी अभी ज़्यादा तेज़ी से अपना काम करेगा इन टर्म्स ऑफ आगे बढ़ने वाला ये प्रोजेक्ट। और यहाँ पर ज़रूरी है इसलिए कि करेंटली पुणे का जो एयरपोर्ट है वो ओल्ड गोवा एयरपोर्ट के जैसे है, मतलब ये एक्चुअली मिलिट्री एयरपोर्ट है जिसको सिविलियन एयरपोर्ट के जैसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कई रिस्ट्रिक्शन सिचुएशन आ सकते हैं कि एयरपोर्ट किस तरीके से फंक्शन करे। न्यू टर्मिनल इसके लिए ज़रूरी था और यहाँ पर ब्रांड न्यू एयरपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है जो आगे जाके किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नागपुर से, जहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं रोड्स के हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं, फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है रोड और रेलवे के हिसाब से। यहाँ पर 2 रेलवे अंडर ब्रिजेस का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, एक दीप्ति सिंह नगर शांति नगर के अंदर, और इसके अलावा कुछ यहाँ पर दूसरे हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की गई है। अगली खबर दोस्तों आ रही हमारे देश के साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, जहाँ पर जो समुद्रयान हमारा मिशन है वो अगले साल के अंत में ऑपरेशनल होगा ऐसा कहा गया है। हमारे देश ने कहा था कि वो अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट लेंगे, जब पर मत्स्य 6000 नाम का एक सबमर्सिबल डेवलप किया जाएगा और ये सबमर्सिबल समुद्र की गहराइयों में 6 किलोमीटर के डेप्थ तक जा सकेगा। मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो प्रोजेक्ट का काम है वो ऑन कोर्स चल रहा है और अगले साल के अंत में हमें इसकी टेस्टिंग होते हुए नजर आएगी। जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है उसको करने के लिए ये बहुत जरूरी है और इंडिया को इसके कारण एक कुछ देशों की लिस्ट में आने का मौका मिलेगा जिनके पास में ये कैपेबिलिटी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया और कुछ यूरोपियन देशों के बीच में हुए एग्रीमेंट से रिलेटेड, जहां पर हमने आइसलैंड लिस्टेशन और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इन देशों के साथ में एग्रीमेंट किया है फिफ्टा का, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट। यहाँ पर ये जो सारे देश है उन्होंने कहा है मिलकर वो आने वाले 15 साल में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करेंगे, और ये ऑब्वियसली बड़ा अमाउंट है। और ये जो देश है ये पॉपुलेशन में तो छोटे लेकिन इकोनॉमिकली बहुत सिग्निफिकेंट देश है। यहाँ पर इसका जैसे जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो हमें देखने भी मिलेगा, जो चॉकलेट्स होते हैं स्विच वॉचेस होते हैं उनके ऊपर भी प्राइसेस में हमें कमी आते हुए नजर आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज बैंकिंग सिस्टम्स इनके अंदर भी हमें बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र मुंबई से, जहाँ पर कहा गया कि जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई में इसके आसपास में एक ग्रीन टूरिज्म जोन डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली मिक्स ये होगा अम्यूजमेंट पार्क्स होटल्स रेस्टोरेंट होटल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का, लेकिन यहाँ पर जो जोन बनाया जाएगा वो 1000 एकड़ का ग्रीन जोन होगा जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह ट्रैवल कर सकेंगे। तो पूरी तरीके से इसे अर्बनाइज नहीं बनाया जाएगा, हरा भरा ये होगा लेकिन यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर पीएम के द्वारा कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और कुछ को अनवील किया गया है। 4500 करोड़ के नॉर्दर्न बंगाल के प्रोजेक्ट्स थी और यहाँ पर रेलवेज रोडवेज दोनों के प्रोजेक्ट है। अभी सब जानते हो कि आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन आने
वाला है, तो ऐसी खबरें जो है हमें और ज्यादा आते हुए नजर आएगी कुछ समय बाद। और बात करें यहाँ पे एक्चुअली प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पर इकलकी से लेकर भरूलघाट, भरसोई से लेकर राधिकापुर, रानी नगर से लेकर जयपालगुड़ी और हल्दीबारी सेक्शन, इनका इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर ट्रेन ट्रैक्स को बेहतर बनाने का किया जाएगा। अगली खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, जिन्होंने अनाउंस किया कि उनको मिला है एक अवार्ड, और ये अवार्ड है ट्रांसपोर्ट टिकटिंग ग्लोबल 2024 का। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दिल्ली मेट्रो को ये जो अवार्ड मिला है ये हाईली प्रेस्टिजियस है, और लंदन के अंदर ये अवार्ड इनको दिया गया डिजिटल टिकटिंग इनिशिएटिव्स को देखते हुए ये मिला है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पर ये बात इंपॉर्टेंट भी है, दिल्ली मेट्रो जितने टिकटिंग सिस्टम्स है उनको लीड करती है देश के अंदर, इतने सारे टिकटिंग मेथड्स है यहाँ पर गेट्स के अंदर जाने के, एट द सेम टाइम टिकट्स को खरीदने के, जो पैसेंजर ट्रैवल्स के लिए, जो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिलाता है। आज के आज पीटी सवाल के बारे में बात करें तो माइकी 14742 पूछते हैं, व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एज फास्ट एज कंपेयर्ड टू व्हाट चाइना डिड इन 2010, द जीडीपी वाज आल्सो सिमिलर टू अस बट दे बिल्ट 170,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे एंड इंडिया इज होपिंग टू मेक 50,000 बाय 2047। देखो यार इंडिया 50,000 जो है ये एक्चुअल में सही डेटा नहीं है, एट द सेम टाइम यार ये कंपैरिजन करना भी सही नहीं है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है सिंगल पार्टी रूल के साथ में, वहां पर मीडिया भी फ्री नहीं है, वहां पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर कई प्रोजेक्ट्स उठा लो, इनफैक्ट मैंने दो चार दिन पहले वीडियो भी डाला था कि महाराष्ट्र के अंदर प्रोजेक्ट डिलीज हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे पब्लिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, चाइना में वो चीज़ें मैटर नहीं करती। यहाँ पर चाहे वो लैंड एक्वायर करना हो, कोई प्रोजेक्ट के खिलाफ अगर आपको जाना है कोर्ट वगैरह में आप जा सकते हो, आप वहाँ पे जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से दिक्कत दिला सकते हो, और बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिलीज लाने के तरीके बहुत है। चाइना में ऐसा नहीं है, घर के ऊपर से हाईवे बन रहा है तो बन रहा है, जो चाहे गवर्नमेंट कुछ देगी नहीं देगी लेना है लो, और या फिर आपके ऊपर से बुलडोजर चला दिया जाएगा जबरदस्ती। और भारत के अंदर ये नहीं होता, अगर स्टेट गवर्नमेंट एक छोटी सी परमिशन नहीं देती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट 10-10 साल तक डिले हो सकता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस अगर नहीं आता है तो एक बना बना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन नहीं हो सकता है। अगर कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट को देना है उनको 15 गुना देना पड़ता है कभी कभी कुछ कुछ रीजन में, लैंड वैल्यू से भी ज्यादा, और ये दिक्कतें ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को जो है वो स्लो डाउन करती है। हम चाइना के स्केल में अगर बिल्ड करने को जाए प्रोजेक्ट्स तो सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप रूल हमें चाहिए होगा, जो बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा, और वो इंडिया में है नहीं। इसकी वजह से वो स्पीड जो है वो हमें हमारे प्रोसेसेस के थ्रू लानी पड़ेगी, जबरदस्ती फोर्स के थ्रू नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।